संजीव जी बालियान आप मुजफ्फरनगर की पावन और पवित्र भूमि से आते हैं, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पावन और पवित्र भूमि है, वो किसान कौन के रहनुमा चौधरी चरण सिंह की पावन और पवित्र भूमि है। मैं आपको उद्बोधन पे आमंत्रित करूं, उससे पहले एक निवेदन करता हूं कि सरदारी में एक विश्वास पैदा करके जाए कि चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के विचार आज भी युवाओं के बीच में है। संजीव बालियान जी सादर आमंत्रित है। गुजरात के गवर्नर महामहिम आचार्य देवव्रत जी, और राजनीतिक जीवन में कम ही लोग हैं जिनसे जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवार के किसी बड़े से मिल रहे हैं, अपने किसी परिवार के बड़े से मिल रहे हैं। तो आचार्य जी अकेले ऐसे रह गए जिनसे मिलकर लगता है कि परिवार में कोई बड़ा भी है, हमारे राजनीति में हमारी देखभाल करने वाला भी कोई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा उस साल में पैदा हुआ था, सन 1972 का चुनाव लड़ा था चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, और 72 की मेरी जन्म, आप देख लो कितना लंबा राजनीतिक जीवन रहा होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का। और अभी भी हौसला नहीं छोड़ रहे, मजबूत हैं पूरे, हर साल कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और चौधरी देवीलाल के सपुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे मित्र कमल पटेल, और बहुत से लोगों को बताना पड़े, समझाना पड़े, नहीं अपनाइए भाई, नहीं कोई विश्वास नहीं करता कि पटेल कहाँ से मारे हो गए, बहुत लोगों को बताना पड़े मुझे पटेल साहब। आदरणीय हरियाणा में विधायक सोमवीर सांगवान जी, आदरणीय राम सिंह जी, और मेरे दोनों छोटे भाई राम अवतार पलसानिया और कलवानिया, वैसे तो दोनों ऐसा लगेगा जुड़े हुए भाई हों, नाम भी एक जैसे, गोत भी एक जैसा, और कर्म भी दोनों के बिल्कुल एक जैसे, और वाकई मुझे गर्व होता है कई बार इन दोनों को देख के, और कई बार चिंता भी रहती है कि पूरा समय तो समाज के लिए दे दिया, पता नहीं अपने लिए कुछ कर पा रहे या नहीं कर पा रहे दोनों छोटे भाई। लेकिन वाकई पिछले 4-5 साल से जब से मैं इनसे परिचय हुआ मेरा, और मैं जानता हूँ समाज में संगठन तो बहुत हैं, अभी अभी नरवाल साहब मुझे एयरपोर्ट से लेकर आए तो बता रहे थे 5 संगठन तो यही हैं बेंगलोर में, तो जब 5 बेंगलोर में है तो पूरे देश में 500 तो होंगे ही कम से कम, लेकिन इन 500 में अब तो काम करते हुए ये दोनों भाई दिखाई दें, बाकी तो ऐसा ही रह गया। बस समझ में नहीं आता कि जब हम बेंगलोर में आके इतनी दूर में भी एक नहीं हो सकते तो क्या उम्मीद करें, पर लगे रहो भाई छोटे भाइयों, कुछ ना कुछ जब लगे हो तो बेहतर ही होगा। और उपस्थित बुजुर्गों साथियों, और बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, और मैं वाकई, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहाँ तो कह दी दोनों भाइयों को, इतवार का दिन था, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ शनिवार इतवार दो दिन, बड़ा मुश्किल था आना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में बेंगलोर में हमारे परिवार के लोग रहते हैं और यहाँ मिलेंगे। और मैं देख रहा हूँ कितनी देर से आचार्य जी 4 घंटे हो गए ना खड़े हुए, किसी राजनीतिक रैली में कोई आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे जैसे 4 घंटे से भाई खड़े हैं दोनों तरफ और चारों तरफ देखो खड़े हैं। इस मान सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा परिवार यहाँ मौजूद है, मैं पहले भी कई बार आया, मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन अगली बार आऊंगा तो कई दिन का प्रोग्राम बना के आपके बीच में आऊंगा। आचार्य जी को हमें सुनना है, और सबसे बड़ी समस्या एक है कि जब सरकार में मंत्री हो और जाटों की मीटिंग हो तो ताली तो बजाने के नहीं, ऐसी ऐसी बात हम करने के नहीं, जो ताली बजाओ तो बड़ा संकट हो जाए बोलने का कि बोलो तो क्या बोलो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में फिर बहुत चले बात। और मैं सबकी बातें सुन रहा था, आज एक लड़के ने, बिंदर ने, इतनी अच्छी बात कही जो वाकई हमें राजनीतिक लोगों को कहनी चाहिए। वो बिंदर ने बात की, उसकी बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी कि पिछले कुछ सालों से लगातार मैं देख रहा हूं, 10-12 साल हो गए, इस बिरादरी के ऊपर संकट भी कहीं आए, कई जगह हम फंसे जाके, चाहे मुझे अपने दंगे से शुरुआत करूं, या हरियाणा का आरक्षण का आंदोलन हो, या अभी ताजा ताजा किसान आंदोलन हो, देश में पिछले 10 सालों में
जो बड़े तीन आंदोलन का हो या घटना ही होंगे, वो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े रहे। और ये ताकत भी है बिरादरी की और कमजोरी भी है। कहीं ना कहीं हमें एकजुटता भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों से दूर होते भी चले गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। जो साहब बैठे मानने तो है नहीं मेरी बात को, हम आइसोलेट हुए हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। अभी बिंदर ने कहा कि हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है, उस दिन तक तो पूरे देश का होता है और अगले दिन उसे बिरादरी का बना दें, सिर्फ एक जाति में सीमित कर दें। आज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में या तो किसी का साथ ले लो या किसी का साथ दे दो, किले रहकर बात बनने की नहीं, किला चल नहीं सकते, कहीं भी कामयाबी हो नहीं सकती, चाहे बिजनेस हो या राजनीति हो या कुछ हो। तो हमें गर्व तो अपने पर होना चाहिए, पर हम कई बार मारा गर्व इतने ऊपर चला जा कि दूसरे मसल सब दूर हो जा, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, अकेले से काम बिल्कुल कहीं किसी बंद पर चल नहीं सकता। मेरे याद है 2016 में जब हरियाणा का आंदोलन था, हमर चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार साथ बैठते थे हरियाणा से। उस समय कैप्टन अभिमन्यु धनखड़ साहब दोनों मंत्री थे, भराड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे, करीब करीब रोज ही बैठना होता। उसके बाद बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बड़े मुश्किल से मामला ठीक हुआ। और मैं जब हरियाणा चुनाव में गया तो मुख्य रूप से मैं तीन विधानसभाओं में ही घूमने गया। कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव में गया, ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव में गया और बराड़ा साहब के सुभाष बराड़ा के चुनाव में गया। मैंने तीनों जगह जाके एक ही बात कही, भाई ये तीन लोग हैं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इन तीनों को ना हराओ, इन तीनों को जिता दो। आधे से ज्यादा विभाग इनके पास है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, इन पर नजला मत तारो। लेकिन हुआ क्या, उन तीनों का इलाज सबसे पहले करा हमने। सरकार तो फिर भी बनी भाजपा की, पर जाट विहीन सरकार बनी, है सच्चाई है। तीनों को हमने घर बैठा दिया जो भारतीय जनता पार्टी से थे। ये तो बाद में चौधरी रणजीत सिंह आए या दुष्यंत आया तो सहभागिता हुई, नहीं तो जो अपने थे वो तो हमने साइड में बैठा दिए थे। बहुत बड़ा परिवर्तन 2013 के बाद आया हमारे समाज में। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ बहुत बड़ा, और कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हुई दो तीन, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो या उसके बाद हरियाणा का आंदोलन या किसान आंदोलन हो, एकजुटता तो लाई है समाज के अंदर। लड़ाई भी बड़ी रही पर एकजुटता भी हुई। अगर कोई बेंगलोर में बैठा हुआ व्यक्ति भी था तो उसके मन में भी मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर या हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर उसके मन में भी एक पीड़ा थी, वो भी एक जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं से। उसके मन में भी बिरादरी के प्रति एक प्यार का भाव था। 2013 का थोड़ा सा जिक्र जरूर करूं मैं, बहुत बड़ा संकट था। 6,250 लोग उस समय दंगों में नामजद थे और ऐसी स्थिति थी कि बाहर से लोग मिलने भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब से तो थोड़ा आना जाना कम रहा। सबकी भावनाएं, हम तो आके बैठ गए नदियों पे, बढ़िया पानी, नदी, नहर, और इन राजस्थान के हमारे भाइयों को छोड़ आए हम रेत के टिब्बू पे। कई बार लगे भाई वहीं आ जाते सारे कट्ठे से हो जाते, पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में पानी बिता, कितना कष्ट का जीवन रहा होगा, कितने कष्ट का जीवन रहा होगा राजस्थान में हमारे भाइयों का। ये तो इतनी सुविधाएं आ गई, सुख आ गए अब है, लेकिन उस जमाने में जब सुविधाएं नहीं थी कितने मुश्किल से जीवन यापन किया होगा। मैंने कहा आचार्य जी जरूर इस बात का जवाब देंगे, चूंकि इतिहास के बारे में आचार्य जी को ज़्यादा ज्ञान होगा। आचार्य जी, राजस्थान में हर जिले में राजा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में हमारे राजा रजवाड़े कहाँ थे, क्यों नहीं है, ये क्या कारण रहा है, समझ में नहीं आया मेरे कभी बात कि राजस्थान में तो किसी जिले में जाओ एक राज परिवार बैठा, बहुत बड़ा किला। हमारे यहां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में घूम जाओ कोई राजा नहीं भाई, कोई इतिहास नहीं, पता नहीं कहां थे, कौन चलाया करता सिस्टम को, कौन नहीं, यो कभी समझ में नहीं आया।
और इसका बड़ा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किसी को कुछ मानते ही नहीं, चाहे कोई हो, कहां मानते हम किसी कुछ, किसी व्यवस्था के। या तो हम कबीलाई लोग थे, या तो जो कबीले का सिस्टम या खाप का सिस्टम है उसके द्वारा चलते रहे। लेकिन हमारे यहाँ राजा रजवाड़ा रहे नहीं। एक दो लोगों ने कोशिश भी की कि मैं राजा हूँ या राजा परिवार से हूँ कहने की, तो लोगों ने कहा भाई तू तो अंग्रेजों का पिट्ठू है, तू तो मुगलों का पिट्ठू था, हमने उन्हें स्वीकार नहीं करा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ राजस्थान में परंपरा रही, हमारे यहाँ कभी यह परंपरा नहीं रही। खैर आचार्य जी को बोलना मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, मैं वह बात जरूर कहता हूँ जो बिंदर भाई ने कही थी कि हमें कई बार ऐसा लगे राजनीतिक रूप से जब हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो सचमुच ऐसा लगे कि सारी बिरादरी हमारे खिलाफ तो नहीं इकट्ठा हो रही। उसका कारण हम अपने अंदर देखना पड़ेगा। दूसरा दोषी नहीं है उसका कोई कि हम दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं। और आज के जीवन में राजनीतिक रूप से मजबूती बहुत आवश्यक है। मैं नहीं कहता मेरी साथ रहो या मुझे मजबूत करो, मैं बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता। आप जहां हैं जो हैं, राजनीतिक मजबूती बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय की। समाज को अगर आगे बढ़ना है, समाज हर फील्ड में आगे बढ़ गया। अगर आज कल्पना करो बेंगलोर में इतने लोग, इतने समाज से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। आज हमारे लोग बिजनेस में आगे जा रहे हैं, आज स्पोर्ट्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग जा रहे हैं। हाँ, राजनीति में जरूर हम लोग कहीं ना कहीं नीचे आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहले समय से अगर आज के मुकाबले में देखेंगे तो एक फील्ड ऐसा जरूर है कि जिसमें समाज कहीं ना कहीं बहुत पीछे हुआ है, वो राजनीतिक क्षेत्र है। अब ये समाज को विचार करने की आवश्यकता है। और मैं दोनों छोटे भाई से एक बात जरूर कहूंगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम उतना सहयोग आप लोगों का नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए था, पर आप लग रहे हो अपने मिशन में, अपने काम में। चूंकि समाज को एकजुट राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता, सामाजिक व्यक्ति समाज को एकजुट कर सकता है। राजनीति में तो सबकी अपनी अलग अलग संबंध है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और वो रहने भी चाहिए। लेकिन सामाजिक रूप से कम इस समाज को आप एक मंच पर लेकर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के उस हिस्से में जहां हम नहीं थे, हमारी इतनी बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमारे बीच में हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।